नमस्कार दोस्तों, भारत के 10 राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के 10 राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है और वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन से 10 राज्य हैं जहाँ पर स्कूलों पर ताला लटक गया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 10वीं के सभी स्कूलों को अब 16 जनवरी 2022 तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। पहले प्रदेश में 10वीं तक के स्कूल को 6 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार 11वीं और 12वीं के छात्रों को केवल टीकाकरण के लिए ही स्कूल में बुलाया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। क्या दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। वहीं झारखंड में भी स्कूलों सहित शिक्षण संस्थाओं को 15 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बात करें गोवा में, स्कूलों को 26 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पहली से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल जाना है गोवा में। तमिलनाडु सरकार ने भी कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने रविवार को कहा है कि वह 3 जनवरी से पहली से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने के फैसले को वापस ले रही है और फिर से स्कूलों को बंद कर रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जयपुर और जोधपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसी कोई नई अपडेट आती है स्कूलों को बंद को लेकर तो सबसे पहले जानकारी आपको इस समाचार चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं किया है इस समाचार चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए, जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आए सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।